अपना परिचय दे दीजिए। स्वतंत्र कुमार मिश्रा। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम पेंशन बहाल कर देंगे, इस बयान को किस तरह से देखते हैं क्या? देखिए, अखिलेश की सरकार को बनाने का मतलब उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी, उसी तरह से अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो तालिबान इसमें आईएसआई वाले हैं और लश्कर ए तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और जिस दिन इन्होंने सरकार बना लिया तो मैं समझता हूँ कि थाना पुलिस फूंक देंगे, ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाएगा, लूट मार बलात्कार डकैती और गुंडे बदमाश रोड पे आ जाएंगे। हाँ, किसी को कुछ समझेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो लाइन ऑर्डर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है उस पर सारे लोग अमल हैं और वही लोग सरकार चला सकते हैं और सरकार सही दिशा में चल भी रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फिर से पेंशन बहाल कर देंगे, क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरा नाम सतीश यादव है और जो माननीय अखिलेश जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है और इसका हमको फायदा मिलेगा। देखिए, ये प्रदेश के लिए बहुत ही खुशहाली का विषय है। अगर कर्मचारियों के बारे में अगर किसी ने सोचा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सोचा है। जिस तरीके से उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कहा है तो निश्चित तौर से उन्होंने अब इसको अपने मैनिफेस्टो में ले आने का काम किया है और उनका वादा पूरा होता है। उन्होंने पिछली सरकारों में जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो सारे कामों को उन्होंने पूरा किया। अभी उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है, किसानों की सिंचाई का जो है वो वादा फ्री किया है और अभी उन्होंने जो कहा है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि भाजपा ने जिस पेंशन को बंद कर दिया था कर्मचारियों की, तो ये सभी जाति धर्म जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साबित कर दिया कि सभी जाति धर्म के जो भी लोग हैं उनकी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाएगी, जिससे कि उनका परिवार खुशहाल होगा और उनके बच्चों को शिक्षा में और दवा में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पेंशन फिर से बहाल कर देंगे, तो बहुत अच्छा है भाई। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जनता के लिए और बढ़िया आना काम है भाई, सबको जीने खाने का तो रास्ता मिल जाएगा।